अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? वालेकुम ठीक सलाम सर। ठाक? जी सर, बिल्कुल ठीक। कितना ठीक? 100% ठीक सर। वो तो कोई बंदा 100% ठीक हो ही नहीं सकता। आज तक मैं नहीं हो सका, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग तो मेरे से भी आगे की चीजें हो। क्यों भाई मलाइका, सही कह रहा हूँ ना जी सर। मैं? देखा, इसको पता है। आज माहीन की आवाज नहीं आई मुझे। अच्छा, सहमा ही ने अभी ज्वाइन ही किया शायद। ये तुम लोग ना 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाया करो। इसके बाद में तो मैंने मीटिंग लॉक कर दिया करनी है। 76 स्टूडेंट्स, अभी तक 50 आए हैं सिर्फ। बाद में फिर कहेंगे कि हम लोग तो सर नेट का इशू था। ये तो क्या पढ़ा था लास्ट टाइम भाई, हमने याद है किसी को? सर प्रोडक्शन पढ़ी थी शॉर्ट लाइव रेडियो न्यूक्लाइड्स की। सर टू शॉर्ट लिव जनरेटर रेडियो न्यूक्लाइड्स की प्रोडक्शन पढ़ी थी थिएटर में। सारा बताएगी मुझे। सारा क्या पढ़ा था? सर रेडियो न्यूक्लाइड्स की प्रोडक्शन थ्रू जनरेटर के किस तरह से पेरेंट रेडियो न्यूक्लाइड डिके करके हमारे पास डॉटर रेडियो न्यूक्लाइड प्रोड्यूस करता है, और फिर उसकी सेल्फ डिके होता है और वो डिस्ट्रॉय होता है, और ये सब कुछ एट द सेम टाइम हो रहा होता है। सर एक किसकी बैकएंड पे फिनोमिना होता है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। फिनोमिना क्या? मलाइका पता है? फिनोमिना क्या मतलब, आप इक्विलिब्रियम ऑफ जनरेटर का पूछ रहे हैं? जी वही फिनोमिना है, तो उसी की बेसिस पे तो सारा काम चल रहा होता है। सर उनकी अमाउंट्स कांस्टेंट हो जाती है ना, एक टाइम आता है जब उनकी जो अमाउंट्स जो है वो सेम हो जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है स्टैब्लिश हो जाएगी। तो हमने बेसिकली मिल्किंग के प्रोसेस से, केमिकल सेपरेशन जो प्रोसेस है, उसके थ्रू इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होता है, क्योंकि जो डॉटर रेडियो न्यूक्लाइड है वो अपनी हाफ लाइफ को छोड़कर पेरेंट रेडियो न्यूक्लाइड की हाफ लाइफ को जो है उसके अकॉर्डिंग डिके करना स्टार्ट कर देता है। तो टू स्टॉप दैट प्रोसेस वी हैव टू डू द केमिकल सेपरेशन और मिल्किंग प्रोसेस। अच्छा, मलाइका कंपटीशन बढ़ गया है। एक और बच्चे यस की सर। पढ़ना शुरू कर दी है, देख सर क्या रही कह रहे हो? हैं आप? कंपटीशन बढ़ गया है इस दफा। एक और बच्ची ने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। दीन सर पता है तहरीन भी मैं, पढ़ती है। तहरीन बोलती नहीं है ना। तहरीन ने वैसे मार खानी है, सर बोलती हूँ मैं। इसका सांस ही नहीं पूरे होते लेक्चर के अंदर। पता नहीं, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया करो साथ साथ बैठ कर हर 2 मिनट बाद। सर मैं पूछती भी हूँ आपसे क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स भी करती हूँ। अब इलॉजिकल तो ही ना बोलना होता। वाओ, ये वर्ड किसने सिखाया आपको? माही उन बाजी पे कहती है, अच्छा गया। आज माही इन बाजी के कोई मसला है? बेचारी कह रही है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ किया क्या, याद करेंगे? सर अच्छा एक्चुअली जी, नेटवर्क यहाँ पे अनस्टेबल है आज, तो इस वजह से। कोई बात नहीं। मलाइका को भी बड़ी दफा माफ किया, आज आपको भी पहली दफा माफ कर देते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हमने वो लास्ट लेक्चर पढ़ लिया था हाफ, अब हमने नेक्स्ट हाफ पढ़ना है उसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि जनरेटर के अंदर क्या होता है, आपका ग्लास कॉलम होता है। ग्लास कॉलम के ऊपर वाली साइड पे ओपनिंग होती है, नीचे वाली साइड से ओपनिंग होती है। एक तरफ हम उसके लगाते हैं सलाइन की वॉल, जो कि हमारा इल्यूटिंग सॉल्यूशन होता है, और दूसरी तरफ हम लगाते हैं इवेकुएटेड एम्प्टी वॉल, ठीक है, जिसके अंदर हमारा इल्यूट विद टेक्नीशियम इकट्ठा होता है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जो आपका ये ग्लास कॉलम है ये वाला, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं इन अ टिपिकल मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर द कॉलम इज फिल्ड विद एलुमिना। ठीक है, एलुमिना कौन सा होता है? जो एक्सचेंज मटेरियल है जो कि सेंटर में होता है,
ये वाला, ठीक है, जिसको हम Al2O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलुमिना, ये क्या होता है, एक्सचेंज मटीरियल, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मॉलिब्डेनम 99 इज अ पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल सोडियम मॉलिब्डेनेट, ठीक है, जो इससे ऊपर यहाँ पे मॉलिब्डेनम पड़ा है, ये मॉलिब्डेनम अपनी रॉ फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एक जो इसका मॉलिक्यूल बनाया था किसके साथ, इसको सोडियम के साथ टैग करके सोडियम मॉलिब्डेनेट बनाया था, तो ये सोडियम मॉलिब्डेनेट की फॉर्म में इसको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, जो कि डिके करके टेक्नीशियम में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ से इल्यूटिंग सॉल्यूशन पास करवा के तो हम उसको क्या नाम है इल्यूट के साथ बाहर निकालते हैं, मिल्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद द इल्यूटिंग सॉल्यूशन इज ऑक्सीडेंट फ्री फिजियोलॉजिकल सलाइन, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन हम शॉप से मेडिकल स्टोर से अब आपकी बॉटल्स में अवेलेबल होता है, वही नॉर्मल सलाइन हम यहाँ पे इल्यूटिंग सॉल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं। द टेक्नीशियम रेडियोएक्टिविटी इल्यूट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम परटेक्निटेट, ठीक है, जो आपकी रेडियोएक्टिविटी है वो सोडियम परटेक्निटेट की फॉर्म में इल्यूट में मिलती है, क्योंकि जो टेक्नीशियम है वो सलाइन नॉर्मल सलाइन के अंदर जो सोडियम होता है उसके साथ क्या नाम है आप एक कंपाउंड बना के सोडियम परटेक्निटेट बना देता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि हम इसमें से टेक्नीशियम को अलग कैसे करते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस करके तो हम इसमें से टेक्नीशियम अलग करके फिर हम लेबलिंग करते हैं किसी भी अपने फार्मास्यूटिकल की, ठीक है। मॉलिब्डेनम 99 इज यूज इन द जनरेटर, इन दिस जनरेटर्स प्रोड्यूस आइदर बाय इरिडेशन ऑफ मॉलिब्डेनम 98 विद न्यूट्रॉन्स और बाय फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इन ए रिएक्टर। मॉलिब्डेनम 99 प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शंस इज एसेंशियली कैरियर फ्री एंड देयरफॉर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन कैप्चर से मॉलिब्डेनम प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके कंपैरिजन में जो मॉलिब्डेनम हम यूरेनियम को तोड़ के प्रोड्यूस करवाते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा होता है और कैरियर फ्री होता है। कैरियर फ्री होने का मतलब ये है कि उसके साथ कोई और दूसरे रेडियो न्यूक्लाइड्स नहीं प्रोड्यूस होते, उसके साथ कोई और दूसरे रेडियो न्यूक्लाइड्स नहीं होते, सिर्फ क्या नाम है कौन सा होता है मॉलिब्डेनम 99, ठीक है। यस सर, अच्छा जी। उसके बाद वो कहता है ऑन द अदर हैंड मॉलिब्डेनम 99 प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन इरेडिएशन ऑफ मॉलिब्डेनम 98 इज जनरली ऑफ लो स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी कि जो मॉलिब्डेनम वो कह रहा है हम 98 से 99 में कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट से, उसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब यानी कि वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और कम ही उसकी रेडियो एक्टिविटी होती है। द अदर डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मॉलिब्डेनम 99 इज द प्रेजेंस ऑफ वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ अदर रेडियो न्यूक्लाइड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया के जो यूरेनियम फिशन से प्रोड्यूस होने वाला है वो अच्छा है और कैरियर फ्री होता है, और जो 98 से प्रोड्यूस होता है वो होता है विद कैरियर्स, यानी कि अदर रेडियो न्यूक्लाइड की इंप्योरिटीज के साथ ऐड होती है। बिकॉज सम रेडियो न्यूक्लाइड्स मे बी इल्यूटेड विद टेक्नीशियम ड्यूरिंग द मिल्किंग ऑफ द जनरेटर, देयर अमाउंट्स इन द मॉलिब्डेनम सैंपल शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब हमने टेक्नीशियम को निकालना है, यानी कि जो हमें रेडियो एक्टिविटी है उसको हमने इल्यूट के साथ लेके आना है अपनी एम्प्टी वॉयल के अंदर, तो तब उसके साथ भी इम्प्योरिटीज आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि मॉलिब्डेनम में ही कम से कम इम्प्योरिटीज हो, ताकि हमें उसी उसके अकॉर्डिंगली टेक्नीशियम के अंदर भी कम से कम इम्प्योरिटी मिले दूसरे रेडियो न्यूक्लियोइड्स की, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? यस सर, यस सर। अच्छा, सो फॉर एनी जनरेटर सिस्टम टू बी of practical use in nuclear medicine, the milking process should be convenient and rapid, ठीक है? कोई भी वो कह रहा है जो आपने जनरेटर यूज करना है, चाहे वो रुबेडियम क्रिप्टॉन का है, इंडियम और टेन का है, या मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम का है, जो हमने चार पढ़े थे, वो कहता है वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए और फास्ट उसका सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप फौरन ही उसमें से रेडियो एक्टिविटी को इल्यूट करो और साथ ही रेडियो फार्मास्यूटिकल के साथ टैग करके पेशेंट को इंजेक्ट कर दो। द इल्यूट मस्ट बी स्टेराइल, ठीक है, वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी वगैरह ना हो, ठीक है। ए पायरेंजाइम होना चाहिए, उसके अंदर कोई पायरोजन वगैरह यानी कि कोई बैक्टीरिया ये वो चीज ना हो, एंड इट्स पीएच इन फिजियोलॉजिकल रेंज, और उसकी जो पीएच है वो फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर होना चाहिए, जो कि है 4.5 to 7.5। इन द सिलेक्शन ऑफ ए सुइटेबल जनरेटर वन हैज टू कंसीडर सेवरल अदर फैक्टर्स, ठीक है। जब आप एक जनरेटर को सिलेक्ट कर रहे होते हो तो रेडियो न्यूक्लियाइड को तो देखना ही देखना है, उसके अलावा अपने किन चीजों को नोट करना होता है वो कौन कौन सी है, एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ पेरेंट ब्रेक थ्रू, रेडिएशन शील्डिंग एंड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। दीस फैक्टर्स आर डिस्कस बिलो विद अ स्पेशल रेफरेंस टू मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर। ये जो ऊपर फैक्टर्स बताए गए हैं ना, अब आगे इनको हम डिस्कस करते हैं किसके अकॉर्डिंगली, मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले वो कहते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती क्या है,
The efficiency of a generator is defined as the following. Efficiency is equals to amount of activity eluted divided by total doctor activity multiplied by 100. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने थ्योरेटिकल एस्टिमेट लगाया कि अगर हमारे पास सुबह 10 बजे 50 में क्या नाम है मिली क्यूरी प्रोड्यूस हो रहा था टेक्नीशियम, ठीक है, तो हमने 10 बजे उसको इल्यूट किया, ठीक है, तो हमारे पास आया 45 मिली क्यूरी, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इल्यूटेड एट 10 AM आएगा 45 डिवाइडेड बाई टोटल डॉक्टर एक्टिविटी जो कि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की थी 50 होनी चाहिए, तो 45 डिवाइडेड बाई 50 इनटू 100. समझ आ गई? यस सर. यस सर. मलाइका रिपीट करें. सर आपने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे अगर हमने थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट की है कि हमारे पास टेक्नीशियम की वैल्यू आनी चाहिए थी 50 और हमारे पास हमने वो इल्यूट किया तो हमारे पास 45 आई है, तो हम उसको कैसे एफिशिएंसी करेंगे? 45 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह हम उसको कैलकुलेट करेंगे. यस, ठीक हो गया. उसके बाद कहते हैं दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज यील्ड ऑफ जनरेटर. ठीक है, एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? यील्ड ऑफ जनरेटर भी बोल सकते हैं कि हमें इतनी क्या नाम है इस जनरेटर की इतनी यील्ड है, मतलब यानी कि ये 45 डिवाइडेड बाय 50 करके मतलब अगर आपको 95% यील्ड मतलब 95% एफिशिएंसी मिल रही है जनरेटर की, मतलब इन 95% तक आपको प्रोडक्शन दे रहा है. ठीक है, 100% ना सही लेकिन 95% प्रोडक्शन मिल रही है आपको इस जनरेटर से, मतलब ये जनरेटर अच्छा है. ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? द प्रेजेंट डे मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर्स गिव अ हाई यील्ड ऑफ टेक्नीशियन जनरली बिटवीन 70-90%. ठीक है, मतलब यानी कि अगर आपने 50 कैलकुलेट की थी, ठीक है, थ्योरेटिकली, और आपको अगर 35 भी मिल रही है तो वो जनरेटर एक अच्छा जनरेटर कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, ये उसने वही ऊपर वाला बना के आपको दिखाया हुआ कि किस तरह क्या नाम है वो सारा कॉलम के अंदर से सेपरेट होता है, उसने आपको ना स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखा दिया कि यहाँ से सोल्यूशन आएगा, उसमें से गुजरेगा कॉलम में से, ठीक है, यहाँ से नीचे सेपरेट होकर प्रोडक्ट ऊपर डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड में चली जाएगी. ठीक है, उसके बाद वो कहता है पेरेंट ब्रेक थ्रू. पेरेंट ब्रेक थ्रू क्या होता है? This is the amount of the parent radioactivity that is eluted with the daughter radioactivity. ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप 100% या 99.9% तक क्या नाम है टेक्नीशियम को मॉलिब्डेनम से अलग नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एल्यूमिना एक पाउडर्ड फॉर्म में है जो कि क्या नाम है स्पेसिफिक पार्टिकल्स को सोडियम मॉलिब्डेनेट के, ठीक है, वो कर सकता है, वो टोटल 100% आपको प्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता. ठीक है, तो इसलिए जो मॉलिब्डेनम आपको टेक्नीशियम के साथ इल्यूट के अंदर मिलेगा उसको हम बोलते हैं पेरेंट ब्रेक थ्रू. ठीक है, कि पेरेंट एलिमेंट जो था वो ब्रेक करके डॉटर के साथ आपके इल्यूट में आ गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरेंट ब्रेक थ्रू. समझ आइए पेरेंट ब्रेक थ्रू की? सर इसको रिपीट कर दें. देखो आप किसी भी चीज को 100% नहीं कर सकते. इवन ये जो आपका आपने जो एड्स देखे हैं उसमें वो क्या कहता है, इट किल्स 99.99% कीटाणु. ठीक है, 100% क्यों नहीं बोलता? ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जो आप क्या नाम है इस तरह साइंटिफिक वर्ल्ड में कर रहे हो वो कभी भी 100% नहीं हो सकती. ठीक है, इसी तरह आप 100% मॉलिब्डेनम को फिल्टर करके सिर्फ 100% प्योर टेक्नीशियम नहीं हासिल कर सकते कभी भी. ठीक है, उसके साथ माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहे वो क्या नाम है निग्लेक्टेबल हो लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर आपको मॉलिब्डेनम भी साथ जरूर मिलेगा. ठीक है, वो जो मॉलिब्डेनम आपको टेक्नीशियम के साथ इल्यूट के अंदर मिलेगा उसको आप कहते हो पेरेंट ब्रेक थ्रू. अब आइए समझ. यस सर, आ गया. ठीक है, द अमाउंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल बिकॉज एनी कंटेमिनेशन बाय अ लॉन्ग लाइफ रेडियोन्यूक्लाइड इंक्रीजेस द रेडिएशन डोज विदाउट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट टू द पेशेंट. ठीक है, वो कह रहा है जो पेरेंट रेडियो न्यूक्लाइड है जो डॉटर के साथ आया उसकी अमाउंट कम से कम होनी चाहिए. क्यों? अगर क्योंकि वो प्रेजेंट होगा तो जैसे कि आपको पता है कि 67 आवर्स है मॉलिब्डेनम की हाफ है. ठीक है, और 6 आवर्स टेक्नीशियम की. टेक्नीशियम बेशक 6 घंटों में डिके करके हाफ रह जाएगा लेकिन जो जितना मॉलिब्डेनम आया होगा ना चाहे वो 1 मिली क्यूरी भी है 50 मिली क्यूरी ऑफ टेक्नीशियम के अंदर तो 1 मिली क्यूरी आपको 67 आवर्स तक रेडिएशन देता रहेगा. ठीक है, इट मींस कि पेशेंट की रेडिएशन डोज बढ़ जाएगी. ठीक है, ये बात समझ आई? यस सर. यस सर. ठीक है, द मैक्सिमम अलाउएबल लेवल ऑफ ब्रेक थ्रू डिपेंड्स प्राइमरी ऑन द रेडिएशन डोज डिराइव्ड बाय दिस कंटेमिनेंट. ठीक है, फॉर द मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर द मैक्सिमम अलाउएबल लेवल इज 0.5
0.15 माइक्रोक्यूरी ऑफ मोलिब्डेनम फॉर ईच मिलीक्यूरी ऑफ टेक्नीशियम, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मिलीक्यूरी टेक्नीशियम है ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम जो है ना 0.15 माइक्रोक्यूरीज ऑफ मोलिब्डेनम ब्रेक थ्रू होना चाहिए, ठीक है। मतलब यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 13 मिलीक्यूरी अगर टेक्नीशियम है ना, ठीक है, तो उसके अंदर 1 मिलीक्यूरी मोलिब्डेनम ब्रेक थ्रू हमें अलाउड है। कि यार इतनी अमाउंट अगर आ जाए मोलिब्डेनम की टेक्नीशियम के साथ, तो आप उसको पेशेंट के इंजेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर इससे बढ़ती है, लाइक अगर 0.15 से 0.20, 0.3 इतने पे जाती है ना अगर अमाउंट पेरेंट ब्रेक थ्रू की, तो आप वो जो इल्यूट है ना उसको यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्या नाम है रेडिएशन डोज जो पेशेंट की है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये रेंज आपको बता दिया है कि 1 मिलीक्यूरी जब आप टेक्नीशियम लोगे तो उसके अंदर 0.15 माइक्रोक्यूरी ऑफ मोलिब्डेनम ब्रेक थ्रू इज अलाउड, ठीक है, क्योंकि 100% प्योर कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। हम जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं ना, डोज कैलिब्रेटर से करते हैं, वो आपको क्या नाम है आफ्टर मिड्स ये लेक्चर पढ़ाया जाएगा, डोज कैलिब्रेटर वगैरह ये वो, ठीक है। तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम वॉयल को रख देते हैं और वो हमें उसके अंदर प्री सिलेक्टेड लेवल होते हैं, वो हमें बताते हैं कि यार इसके अंदर इतनी रेडियो एक्टिविटी टेक्नीशियम की है, इसके अंदर इतनी रेडियो एक्टिविटी मोलिब्डेनम की है, ठीक है। उसके बाद ये आपके डोज कैलिब्रेटर के डायग्राम उन्होंने दिखाई हुई है। उसके बाद वो कहता है केमिकल प्योरिटी, ठीक है, बिकॉज दिस जनरेटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एल्यूमिना, ओकेजनली सम एल्यूमिनियम मे आल्सो बी इल्यूटेड विद टेक्नीशियम पॉलीटेक्निटेट, एल्यूमिनियम डिपेंडिंग ऑन इट्स अमाउंट मे फॉर्म ए कोलॉइड, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि जाहिर सी बात है एल्यूमिना जो है वो आपकी कॉलम के अंदर है ही है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि क्या नाम है जो आपका जो इल्यूट है ना उसके साथ एल्यूमिना के भी कुछ पार्टिकल्स कुछ मॉलिक्यूल्स इल्यूट के साथ मिक्स होके आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं केमिकल इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करते हैं। और अगर एल्यूमिनियम ज्यादा अमाउंट में ब्रेक होके आ जाए इल्यूट के अंदर, तो वो वहां पे क्या करता है एक कोलॉइड बना देता है। दिस इज एन अनडिजायरेबल केमिकल इम्प्योरिटी हुज अमाउंट शुड बी टेस्टेड, ठीक है। ये एक अनडिजायरेबल केमिकल इम्प्योरिटी है, ठीक है, जिससे आपका इल्यूट जो है वो इम्प्योर हो जाता है, तो इसलिए इसके अमाउंट को टेस्ट किया जाना चाहिए। इट्स अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 10 माइक्रोग्राम पर एमएल ऑफ द इल्यूट, ठीक है। एक एमएल अगर इल्यूट आया आपका, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम का जो पार्टिकल्स है ना उनकी अमाउंट 10 माइक्रोग्राम से कम कम होनी चाहिए, ठीक है। कमर्शियल किट्स आर अवेलेबल टू मेजर सिंपली एंड क्विकली द कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम इन द इल्यूट, ठीक है। कमर्शियली कुछ डिफरेंट टाइप्स की किट, जैसे हम लोग एसिड बेस के लिए वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर नहीं यूज करते थे, ठीक है, इसी तरह ना कमर्शियली कुछ किट्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप वॉयल के अंदर यानी कि या तो डिप करके या फिर इंजेक्शन के थ्रू वॉयल में से एक जो ड्रॉप लेके ना वो इल्यूट का वो उस पेपर वगैरह पे किट के अंदर डालते हो, तो वो आपको बता देता है कि यार इसके अंदर ना इतने परसेंट एल्यूमिनियम मौजूद है, ठीक है। ओके, हो गया, समझ आ गई है? यस सर। यस सर। तो सर ये जो एल्यूमिनियम के अमाउंट है ये रेडियोन्यूक्लाइड की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगी? एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम की जो अमाउंट अगर ऐड हो जाए टेक्नीशियम के साथ तो ये उसकी क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगी? जी बाजी, तो इसीलिए तो चेक कर रहे हैं हम लोग किट, इसलिए हम यूज कर रहे हैं कमर्शियली अवेलेबल कि हमारी क्या नाम है जो क्वालिटी है वो ना खराब, ठीक है। ओके सर। अच्छा मेरे भाइयों और उनकी बहनों, इस डायग्राम को बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ जनरेटर। क्या बोलते हैं? स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो इसको जरा गौर से और ध्यान से दिमागों में बिठा लेना और अच्छी तरह से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में तो ये डायग्राम ऐसे दी जाती है ना जैसे पता नहीं क्या नाम है, इसी डायग्राम के सारे नंबर है पूरी न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। अगर आप एक साल में दो पेपर हो रहे हैं ना यानी कि सप्ली और एनुअल, तो किसी ना किसी एक पेपर में डायग्राम जरूर आती है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सारे का सारा काम जो आपका जनरेटर का है ना वो
जो है क्या नाम है वो न्यूक्लियर मेडिसिन का जनरेटर पे ही चल रहा होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों को अच्छी तरह से आनी चाहिए। ओके यस सर। सर यही डायग्राम पूछते हैं जी। ओके सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है जी रेडिएशन शील्डिंग। बिकॉज़ जनरेटर इज प्रेजेंटली इन यूज रूटीनली कंटेन क्यूरी अमाउंट्स ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स, द जनरेटर शुड बी प्रॉपर्ली शील्डेड फॉर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन पर्सोनल। अब जो आपका जनरेटर है ऑब्वियसली बात है उसके अंदर से क्या नाम है क्या एमिटोरियम रेडिएशन, ठीक है, तो उसकी प्रॉपरली शील्डिंग होनी चाहिए लेड के थ्रू, ठीक है। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो ना, जो ये इसकी वॉल्स है ना, ये वाली जो ये हॉलो सी दिखाई गई है, इनके अंदर ना क्या नाम है लेड डाला जाता है। उसके बाद अगर उसके हम अंदर चले जाएं इनसाइड द वॉल्स ऑफ, तो ये भी जितना ये आपको मेश नजर आ रहा है ना, ये भी सारी लेड की शील्डिंग की गई है। क्यों की गई है? ताकि जो वहां से रेडिएशन एमिटोरियम मॉलिब्डेनम के कन्वर्ट होने से टेक्नीशियन के अंदर, ठीक है, और टेक्नीशियन के डिके की वजह से जो रेडिएशन एमिटोरिया वो इस लेड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, और जो बाहर लोग इसको हैंडल कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ, उनको रेडिएशन जो है वो डोज ना मिले, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन शील्डिंग ऑफ जनरेटर। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शील्डिंग डिपेंड्स ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव प्रेजेंट एंड द एनर्जी ऑफ द गामा रेज ऑफ द पेरेंट एंड डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो लेड की शील्डिंग है वो हमने कितनी करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी रेडियोएक्टिविटी की अमाउंट है जनरेटर के अंदर, और दूसरा कि जो उनकी गामा रेज की एनर्जी है वो कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। कमर्शियल जनरेटर्स कंफॉर्म टू द रेडिएशन सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे पास जितने भी जनरेटर्स बन के आते हैं ना, उनकी जो क्या नाम है रेडिएशन सेफ्टी है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जनरेटर्स जितने भी हैं ना, वो इस्लामाबाद में PNRC पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है, वहाँ से बन के आते हैं। यहाँ लाहौर में या कहीं जहाँ पे भी आपका क्या नाम है न्यूक्लियर मेडिसिन का इदारा है, वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, बल्कि इस्लामाबाद में जो हमारा मेन सेंटर है वो कहूटा के पास, आई थिंक सो, वहां पे सारा काम होता है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट सिटीज के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। दिस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मेगाबैक्टर्स ml पर ml ऑफ द मिल्क इल्यूटिंग सॉल्यूशन। द नंबर शुड बी जनरली हाई फॉर द टू रीजंस, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ये होती है कि हमें 1 ml के इल्यूट के अंदर कितनी मेगाबैक्टेरियल या कितने क्यूरी मिले हैं आपके रेडियो न्यूक्लियाइड के, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये पर ml जिसकी कंसंट्रेशन है वो हाई होनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मिला है 1 mCi पर ml, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस तरह इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? इन डायनामिक स्टडीज सच एज कार्डिक और ब्रेन ब्लड फ्लो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्मॉल कंसंट्रेटेड बोलस, ठीक है। जब आपके पास पर ml रेडियो एक्टिविटी की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आप कम ml यूज़ करके, मतलब यानी कि अगर आपको किसी स्कैन के लिए 6 ml चाहिए, ठीक है, और 6 ml के अंदर आपको अमाउंट मिल रही है ऑलमोस्ट 10 mCi, ठीक है, और इसी तरह अगर आपको एक दूसरे जनरेटर से, ठीक है, 6 ml के अंदर मिल रही है 20 mCi, तो इट मीन्स कि आप उसका 3 ml का जो वो है क्या नाम है यूज करके इल्यूट को, तो आप अपना स्कैन प्रॉपरली कर सकते हो। इसलिए वो कह रहा है कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जो है आपकी वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपने जो स्कैन करने है जैसे कि कार्डियक और या फिर ब्रेन ब्लड फ्लो स्कैन करना है, ब्लड तो आएगा और गुजर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको उसके लिए चाहिए होता है स्मॉल बोलस, यानी कि 1 to 2 ml का बोलस चाहिए होता है। तो जब आपके 1-2 ml के अंदर ही बहुत ज्यादा अमाउंट होगी रेडियो एक्टिविटी की, तो आपके उस तरह के स्कैन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है व्हेन लेबलिंग ए वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद डॉटर रेडियोन्यूक्लाइड वेरियस डाइल्यूशन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब वो कह रहा है जब आपने फार्मास्यूटिकल को लेबल करना होता है ना, तो बीच में
काफी सारे स्टेप ऐसे आते हैं कि आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है ना वो इल्यूट है वो डाइल्यूट होता जाता है, ठीक है। उसकी डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि वो उसकी कंसंट्रेशन लो होती जाती है, तो इसलिए अगर पहले ही कंसंट्रेशन लो होगी रेडियो एक्टिविटी की तो उन स्टेप से गुजरने के बाद उसकी कंसंट्रेशन और लो हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं देयरफॉर टू ऑब्टेन ए रीजनेबली हाई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द लेबल कंपाउंड इट इज नेसेसरी टू बिगिन विद अ वेरी हाई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोट। Too high a specific concentration of the radioactivity is, however, of no practical use. हाँ, ये भी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि वो आपसे control ही ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो radioactivity per ml है वो एक suitable range के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो कितनी है, वो कह रहे हैं present generators yield up to giga becquerel per ml of specific concentration of molybdenum 99, ठीक है, मेगा भी नहीं, giga becquerel, यानी कि आपको क्यूरीज के अंदर 1 mCu/mL मिल जाता होता है इजीली आजकल जितने भी जनरेटर्स यूज में है, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। अब हम अगला लेक्चर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे लेक्चर का भी आधा घंटा पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा देख सकते हैं। क्वेश्चन करना था। जी जी करो बाजी, जरूर। सर आपने बताया था कि जो हमारा इल्यूट आता है उसमें बाजू का पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इंप्योरिटीज आ जाती हैं, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम दोबारा मिल्किंग करके उसको प्योर कर लें, मतलब कि या वो वेस्ट हो जाता है? बाजी वो एक किस्म का ना वेस्ट ही होता है, लेकिन जैसा कि हमारी कंट्री इस तरह की कि हम लोग बहुत गरीब मुल्क हैं, ठीक है, हमारे पास खाने को तो पैसे होते नहीं है, तो वो फिर हमारे मुल्क में ना इस तरह की चीजों को इतना बॉदर नहीं किया जाता, ठीक है। और रही बाहर की बात, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज की, तो वहां पे उनका सिस्टम ही कुछ इस तरह का ऑसम किस्म का बनाया जाता है कि उनकी जो रेडियो एक्टिविटीज है ना, बल्कि क्या नाम है, इवन पाकिस्तान में भी इस तरह का सिनेरियो बहुत कम होता है। लाइक मैंने ना 3 महीने काम किया था न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो कभी भी इस तरह नहीं हुआ था कि क्या नाम है, जो मॉलिब्डेनम की क्या नाम है अमाउंट है ना वो 0.15 से कम ही होती थी, 0.10, 0.009, 0.008 इस तरह ही आ रही होती थी, ठीक है। तो अगर आप बाहर की कंट्रीज में चले जाओ, ठीक है, तो वहां पे तो ये वैल्यू बिल्कुल ना होने के बराबर ही होती है, क्योंकि उनका सिस्टम, उनकी सारे सिस्टम की मेकिंग और ये वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, उन्होंने ये वैल्यू आपको इसलिए बताई गया है कि आपके पास इस चीज का नॉलेज जरूर होना चाहिए कि पेरेंट ब्रेक थ्रू भी कोई चीज होती है, ठीक है, जिससे पेशेंट की रेडिएशन डोज बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है कि पेशेंट को रेडिएशन डोज कम से कम दी जाए, ठीक है, और उसका स्कैन प्रॉपर हो ताकि उसकी डिजीज की डायग्नोसिस प्रॉपरली हो सके, ठीक है, इसलिए ये चीजें बताई गई हैं। मोस्ट कॉमन अगर आप कहो ना कि ये अगर 100 केसेस हैं, ठीक है, तो 100 केसेस में से कोई 5 to 6 केसेस ऐसे होते होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी एक्टिविटी हाई मिलती होगी, ठीक है। 0.15 अलाउड है, तो अक्सर इस तरह किया जाता है कभी, यानी कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाए तो 0.2 तक भी वो कहते हैं चलो यार ठीक है ओके इंजेक्ट कर दो, ठीक है, और इससे ज्यादा कभी जाती भी नहीं है। लाइक 3 महीने में मैंने तो कभी नहीं देखा कि वैल्यू हाई गई हो 0.15 से, कम ही होती है, ठीक है। ऑल इट डिपेंड्स कि आपका जो जनरेटर है उसकी मेकिंग किस तरह की, अगर तो प्रॉपरली उसका मेकिंग की गई होगी तो वो जाहिर सी बात है कभी भी इस तरह की आपको चीज नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो जनरेटर नहीं सही बना होगा तो फिर आपको इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? ए केमिकल कंपाउंड टैग विद अ रेडियो न्यूक्लाइड एंड प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्म सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज इज नोन एज अ रेडियो फार्मास्यूटिकल। एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जिसमें एक रेडियो जिसमें एक फार्मास्यूटिकल या केमिकल कंपाउंड को एक रेडियो न्यूक्लाइड के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है। और वो इस तरह का केमिकल कंपाउंड होता है कि आप उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रेडियो कंपाउंड्स आर ए ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स विच हैव रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं या ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी मौजूद होती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एजेंट्स, ठीक है, इनको आप डायग्नोसिस के लिए और थेरेपी के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी वॉयल होती है जिसके अंदर आपको इल्यूट या प्लास्टिक किया, ठीक है, मोस्टली जो है वो जैसे आपके इंजेक्शन आते हैं ना आपकी ग्लास वॉयल के अंदर, उसी तरह ग्लास की वॉयल्स यूज की जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई बात
किसी ने कोई एक बात नोट की हो गौर से तस्वीर को देख के? सर ग्लव्स किसने बताया? ये मैंने। क्यों पहने मैं किरण ग्लव्स? सर मैंने बताया। कौन मैंने? मैंने का नाम भी तो बोलो ना। मैं लेक्चर मलाइका। हाँ जी बाजी दसो क्यों पाए हुए ने ग्लव्स? सर ये तो आप बताएंगे ना, आपने कहा नोट नोट से रेडिएशन में आई थिंक वो निकलती है रेडिएशन का वो शो हो रहा है फाइनल। गुड गुड। देखो इसने अब क्या पकड़ा हुआ है, इसने पकड़ा हुआ है एक रेडियो एक्टिव बॉयल को, ठीक है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मौजूद है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है। तो इसने ग्लव्स जो पहने हुए हैं वो लेडेड ग्लव्स होंगे, ठीक है, जिसको पहन के ये रेडियो एक्टिविटी को पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है, पिक्चर क्लिक करवाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने रेडियो एक्टिविटी को हैंडल करना है तो ये ध्यान करना है कि आपने कोई लड़की अगर हाथ में इस तरह इतनी देर के लिए पकड़ना है तो आपको लड़के ग्लव्स पहनने चाहिए। वैसे तो अगर आपने क्या नाम है जो हमने जब इल्यूट करना होता है ना, तो इल्यूट के टाइम पे तो उसके ऊपर वैसे ही एक लड़की शील्डिंग लगा देते हैं और उसी के अंदर उसको लेके जाके डोज के लिमिटर में रखते हैं, ठीक है। और जो हमने क्या नाम है इंजेक्शन के अंदर फिलिंग करनी होती है वो भी हम क्या कहते हैं एक लड़की शील्ड की बैक साइड पे ही करके करते हैं, ठीक है। उसमें आप ग्लव्स दूसरे भी पहन लो, यानी कि जो स्टीरियल ग्लव्स होते हैं तो भी इशू नहीं, क्योंकि एक दो सेकंड का काम होता है सिर्फ, तो इतनी रेडिएशन नहीं मिलती हाथों को। उसके बाद वो कहता है जी डिजाइन कंसीडरेशन फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो आपने डिजाइन करना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ ए रेडियो फार्मास्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ रेडियोनुक्लाइड एंड बायोकेमिकल, टू कंसीडरेशंस अप्लाई इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ फार्मास्यूटिकल रिलेटिंग टू द रेडियोनुक्लाइड एंड अदर रिलेटिंग टू द बायोकेमिकल, ठीक है। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या होती हैं, दो चीजें, एक फार्मास्यूटिकल और एक रेडियोन्यूक्लाइड। तो इन दोनों के लिए कुछ कंसिडरेशन हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि रेडियोन्यूक्लाइड सिलेक्शन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ ए रेडियोन्यूक्लाइड फॉर इमेजिंग पर्पस इज चीफली डिक्टेटेड बाय द नेसेसिटी ऑफ मिनिमाइजिंग द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट एंड डिटेक्शन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट डे न्यूक्लियर मेडिसिन। सबसे पहले वो कहता है कि आप जो रेडियोन्यूक्लाइड चूज करते हो उसकी बेस क्या होती है कि आपको पेशेंट को जो रेडिएशन डोज है वो कम से कम मिले उस रेडियोन्यूक्लाइड से, और आजकल जो हमारे पास सिंटिलेशन कैमराज यूज हो रहे हैं, गामा कैमराज यूज हो रहे हैं, क्या वो उसको डिटेक्ट करने के काबिल हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है टू मिनिमाइज द रेडिएशन डोज टू अ पेशेंट अ रेडियोन्यूक्लाइड शुड हैव अ शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। रेडियोन्यूक्लाइड जैसे कि मॉलिब्डेनम की 67 आवर्स है तो बहुत लंबी है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं टेक्नीशियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए रेडियोन्यूक्लाइड विद अ 1 आवर हाफ लाइफ डिस्पाइट इट्स स्मॉलर रेडिएशन डोज कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टडीज ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस दैट स्पैन मंथ्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी चीज, आप दुनिया में कोई भी चीज देख लो, चाहे वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, ठीक है, तो दोनों तरह से ही आपके किसी काम की नहीं होती, ठीक है। ज्यादा हो जाए तो नुकसान दे, कम हो जाए तो आपका फायदा कोई नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि अगर रेडियोन्यूक्लाइड की लाइफ 1 आवर है जो कि बहुत कम है, ठीक है, उससे पेशेंट की रेडिएशन डोज तो कम होगी लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि जहाँ पे आपने कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखना है या कोई मेटाबॉलिकल फंक्शन देखना है, जो कि कुछ फंक्शन इस तरह के मंथ्स में भी चले जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप एक घंटे में डिके होने वाले रेडियोन्यूक्लाइड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी रेडियो न्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ इतनी होनी चाहिए कि आपके स्कैन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा है, उसके लिए उसने बताया सजेस्टेड रूल ऑफ थंब इन दिस कनेक्शन इज दैट फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोन्यूक्लाइड शुड बी अबाउट 0.693 मल्टीप्लाइड बाय टी ऑब्स। अब टी ऑब्स क्या है? टी ऑब्स इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडियोन्यूक्लाइड एंड द टाइम एट विच द मेजरमेंट और इमेजिंग इज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। टी ऑब्स वो कहता है कि वो टाइम है कि जब आपका रेडियोन्यूक्लाइड इंजेक्ट कर दोगे और फिर उसके बाद कब इमेजिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने 10 बजे रेडियोन्यूक्लाइड इंजेक्ट करना है और 10:30 बजे जाके इमेजिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो 30 मिनट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.693 जो भी आंसर निकलेगा ना, आपके जो रेडियोन्यूक्लाइड है उसकी हाफ लाइफ मिनिमम उतनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? जितनी भी रेडिएशन एमिट होनी चाहिए ना मोनोक्रोमेटिक हो, मतलब यानी के सेम एनर्जी की होनी चाहिए और उनकी एनर्जी की रेंज 100 से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में होनी चाहिए।
The upper limit of the desired energy of gamma ray is the consequence of detection characteristics of scintillation camera routinely used. वो कह रहा है कि जो upper limit है ना, यानी कि जो हमने 300 set की है, वो इस चीज पे depend करती है कि हमारे scintillation camera की detection capacity इतनी ही है. ठीक है, as the energy of gamma ray increases, they become more and more penetrating, and therefore a smaller number of them interact with the detector. This reduces the sensitivity of the system. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो scintillation camera detector लगा हुआ है, ठीक है, वो 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जो गामा रेज हैं उनको अब्सॉर्ब करके डिटेक्ट करके काउंट कर सकता है. जैसे ही वो कहता है कि इससे ऊपर आप एनर्जी बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी गामा रे की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग हो जाएगी. ज्यादा पेनिट्रेटिंग होने का क्या नुकसान होगा कि वो आपके डिटेक्टर में अब्सॉर्ब होकर डिटेक्ट नहीं होगी, बल्कि उसको भी पेनिट्रेट करके आगे निकल जाएगी और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की सेंसिटिविटी डाउन चली जाएगी. इसी तरह वो कहता है द लोअर लिमिट ऑफ द डिजायर्ड एनर्जी ऑफ द गामा रे इज arrived at the at from the consideration of attenuation of gamma rays in the patient. ठीक है, lower limit जो हमने 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेट किया और किस बेसिस पे किया कि patient के अंदर से जो gamma ray है उसने attenuate हो गया ना, तो उसकी minimum energy 100 होगी, तभी वो क्या नाम है आपकी body को cross करके detector पे जाके fall कर सकेगी और वहां जाके detect हो सकेगी. ठीक हो गया. In addition, a radium chloride should be available easily, economically and in an uncontaminated form. उसके बाद वो कहता है कि आपका जो radium chloride है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम इम्प्योरिटीज के साथ होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि टेक्नीशियम 99M विद 6 आवर्स ऑफ लाइफ 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रे एमिशन लिटिल एमिशन ऑफ कॉर्पस्कुलर रेडिएशन, मतलब यानी कि कॉर्पस्कुलर अदर टाइप, मतलब यानी कि गामा रे के अलावा. ठीक है, एंड इजी इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी फ्रॉम ए जनरेटर कम्स वेरी क्लोज टू फुलफिलिंग द अबव रिक्वायरमेंट्स. ऊपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता है वो क्या है, टेक्नीशियम. ठीक है, दिस अकाउंट्स फॉर इट्स वाइड यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन. इसीलिए हम टेक्नीशियम अपने न्यूक्लियर मेडिसिन के बहुत सारे स्कैन में 90% ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं. यहाँ तक काफी है, इसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ केमिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. किसी का कोई सवाल? सर जी बोलो बाजी. मैंने कहा नो सर. अच्छा, हाँ जी भाई, किसी और का कोई सवाल? लड़कों तुम लोग भी बोल लिया करो, मुंह में अल्फियां डाल के बैठे हुए हो. मैंने जब सवाल पूछा बाजी, असेसमेंट प्लान फिलहाल तक तो यही है आपका कि आपका 10% सीपी, 10% की असाइनमेंट, ठीक है, 20% ये, 20 का मिड टर्म, 60 का फाइनल. फाइनल में वाइवा रिटर्न कुछ भी हो सकता है, हाफ ऑफ भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, अभी तक कुछ पता नहीं. और सर जो हमारा मिड होगा वो रिटर्न होगा या वो भी वाइवा होगा? उसका भी कुछ पता नहीं है, मे बी ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन हो, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका असेसमेंट प्लान फिलहाल यही बताया गया हमें तो. ओके सर. हां जी, और किसी का कोई सवाल? नो सर. सर हमारा मिड कब तक होगा? सर हमारे मिड कब स्टार्ट हो रहे हैं बाजी? देखें, मे बी जून के एंड में, डेट्स नहीं अभी तक कंफर्म. सर मतलब क्विज वगैरह नहीं होंगे? नहीं, क्विज नहीं है. कुछ ना कुछ तो होगा ही सही. कितने तेज है अपने मतलब है, जहां पे अपना मतलब पूरा हो रहा ना बस वहां पे काम खत्म है. सदके किड़े तेज ने. कोई सवाल है किसी का तो बताओ, सर ना बिला वजह खाया करो मेरा. नो सर. नहीं है तो पूछ लो बाद में, फिर ना कहना. अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने अब नेक्स्ट लेक्चर में सुनना है कि मैंने पिछले में क्या पढ़ाया था. और लड़कों तुम लोग याद रखना, तुम लोगों को सबसे पहले सुनूंगा. तो जे नाना आया तो उत्थे सीपी दे 5 नंबर गए, और मैं 3 आवाजें दूंगा जिस बच्चे ने आगे से रिस्पॉन्स ना किया उसके भी सीपी के 5 नंबर गए. सर पांच ज्यादा नहीं है?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਟਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏਗਾ ਗੁੱਡ ਐਸੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯਾਰ ਕੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਨੰਬਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 100 ਮੇਂ 100 ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਆਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕੱਲ ਕੋ ਬਿਸਤਰ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਵਾਂ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਗੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਹਿਨੋ ਕੀ ਬਹਿਨੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕਾ ਜਾਂ ਭਾਈਓ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਕਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਕਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਉਮੇ ਏਮਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨਾ ਹਬੀਬ ਸਨਾ ਹਬੀਬ ਹੈ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਕੈਸਾ ਬਣਾਓਗੇ ਯਾਰ ਘੰਟਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਮ ਲੋਕ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਰਹਿਮਾ ਸੁਹੇਲ ਯੈਸ ਸਰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮਹਿਮੂਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਯੈਸ ਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਹਿਮੂਨਾ ਤਾਰਿਕ Yes, Maliha Maryam Maliha Maryam present sir Mahadeen Mahadeen acha Ikram Kashif present sir Ikram Fakhra Fakhra Ariba Nasir Present sir Aksa Azhar Present sir Allah Nawaz Alia Shahbaz Present sir Okay. Sir, Alia Shahbaz present. ठीक है एक दो तीन चार पांच छः सात तीन बच्चे और absent हैं सात की अभी तक absent लगी तीन और absent हैं Zainab bhi hai, Zanish Waleed Malik ठीक है Taimur Mujahid Shaheer Zadi Kashif Yes sir Linta Present sir Kashif Present sir Iram Hina Present sir Farah Noor Present sir
ठीक हो गया बच्चों, ओके। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर जा सकते हो। सर जी, सर हिना खालिद की अटेंडेंस लगी है? जी बाजी लग गई है। ओके ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।